डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है अ मर्चेंट एंड हिज पैरेट। ये स्टोरी एक मर्चेंट की है, उसके पैरेंट की। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी, जो सेलर होते हैं ना, जो सामान खरीदते बेचते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें मर्चेंट कहते हैं। और पैरेट तो आपको पता ही क्या होता है? तोता। तो ये उसके बारे में स्टोरी है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, और क्या वो जो पैरेट था वो हमेशा चाहता था कि उसको मर्चेंट जो है वो फ्री कर दे, और वो मर्चेंट उसको फ्री करता ही नहीं था, मतलब उसको पिंजरे से बाहर नहीं निकलने देता था। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन अ सिटी। बहुत टाइम पहले देयर लिव्ड रहता था, कौन रहता था? एक मर्चेंट रहता था सिटी में। ही वॉज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हिज पैरेट। एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेस बोलते ना, ये काम तो एक्सेस में हो गया, वैसे ही वो बहुत एक्सेसिवली फॉन्ड मतलब उसको शौक था, उसको पसंद था, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था उसका पैरेंट। एक्सेसिवली बहुत ज्यादा पसंद था उसको अपना पैरेट। ही केप्ट इट इन अ सिल्वर केज एंड फेड इट ऑन फ्रूट्स पेपर्स नट्स एंड एनीथिंग एल्स द पैरेट आस्क्ड फॉर। वो उसको किस में रखता था? सिल्वर केज में। केप्ट मतलब रखना, सिल्वर केज में, और फेड मतलब एंड फेड इट, फेड मतलब खिलाना, एफ ई डी फेड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है खिलाना। क्या क्या खिलाता था वो उसको? फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स, पेपर्स, पेपर्स मतलब मिर्ची खाता है ना तोता, तो मिर्ची खिलाता था उसको। नट्स, नट्स कैसे? काजू बादाम खिलाता था। एंड एनीथिंग एल्स, और जो भी वो पैरेट को पूछ मांगता था ना, पैरेट आस्क्ड फॉर, पैरेट जो कुछ भी मांगता था वो सब कुछ वो उसको खिलाता था। यानी कि उसका पैरेट क्या कर सकता था? बात कर सकता था। दे टॉक टू ईच अदर फॉर आवर्स एंड द पैरेट वॉज सो क्लेवर दैट इट कुड एंगेज हिम इन कन्वर्सेशन। वो दोनों एक दूसरे से क्या घंटों बात कर सकते थे, एक दूसरे से कितनी देर? घंटों बात कर सकते थे। और वो पैरेट जो था वो इतना क्लेवर यानी इतना होशियार था कि वो उसको भी बातों में एंगेज करना मतलब बिजी रखना, वो उसे भी लगा के रखता था उस बातों के अंदर। तो वो पैरेट इतना होशियार था कि वो उस मर्चेंट तक को अपने साथ बातों में लगा के रख सकता था। द पैरेट लॉन्ग फॉर फ्रीडम। पैरेट लॉन्ग्ड मतलब उसको चाहिए थी, इच्छा थी उसकी। किस चीज की इच्छा थी उस पैरेट की? फ्रीडम की, आजादी की। वो उस तोते, वो जो तोता था वो उस पिंजरे से क्या होना चाहता था? आजाद होना चाहता था। एंड ऑफन आस्क्ड फॉर इट, और वो कई बार, ऑफन मतलब कई बार, आस्क्ड मतलब पूछता था, मांगता था, किससे? मर्चेंट से, कहता था कि प्लीज मुझे आजाद कर दो, क्योंकि वो तो बोल सकता था फॉर इट। बट द मर्चेंट वुड ऑलवेज रिप्लाई, पर मर्चेंट हमेशा उसको क्या जवाब देता था? इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये मुमकिन ही नहीं है। पॉसिबल मतलब नहीं, मतलब पॉसिबल का मतलब क्या होता है? मुमकिन, कोई चीज होनी नहीं होनी। तो वो मर्चेंट क्या कहता था? इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम कोई और चीज मांग लो मुझसे। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और मांग लो। वन डे द पैरेट सेड टू हिम, एक दिन उस पैरेट ने उससे कहा, लेट मी फ्री, तुम मुझे आजाद कर दो, एंड आई विल गिव यू थ्री पीसेस ऑफ एडवाइस दैट कुड बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू। तुम मुझे एडवाइस, तुम मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? थ्री पीसेस, तीन एडवाइस के पीस दूंगा, मतलब तीन तरह की एडवाइस दूंगा मैं तुम्हें, यानी तीन तरह की सलाह दूंगा मैं तुम्हें जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी, यानी उसके लिए फायदेमंद होगी वो तीन एडवाइस। तो यानी हमें ये पता चलता है कि जो वो मर्चेंट था वो क्या था? वो ग्रीडी था, यानी लालची था। द मर्चेंट लव द पैरेट बट ही लव द मनी मोर। मर्चेंट को पैरेट तो बहुत पसंद था, उससे तो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे पैसों से उससे भी ज्यादा प्यार था। मनी मतलब पैसे, और लव्ड मोर मतलब उससे ज्यादा प्यार करता था वो पैसों से। ही थॉट, उसने सोचा, इफ हिज एडवाइस हेल्प्स मी अमास वेल्थ इट वुड बी वर्थ इट। वो कहता है कि अगर उसकी, वो सोचता है कि अगर उसकी एडवाइस उसको बहुत सारी वेल्थ यानी बहुत सारे पैसे कमाने में, अमास मतलब बहुत सारा पैसा कमाने में अगर हेल्प कर रही है तो वर्थ इट मतलब लायक है ये उसके एडवाइस के, यानी इसे छोड़ देना चाहिए। ऑल राइट, गो एंड एंजॉय। वो कहता है ठीक है, जाओ एंजॉय करो। द मर्चेंट सेड ओपनिंग द केज, उसने बोला और केज का जो उसका जो पिंजरे का दरवाजा था वो खोल दिया। द पैरेट होप्ड ऑन इट ऑन टू हिज हैंड। द पैरेट जो था वो होप्ड मतलब कूदा, कहाँ कूदा? उसके हाथ पे कूदा, किसके? मर्चेंट के। नाउ टेल योर एडवाइस, द मर्चेंट आस्क्ड, और वो बोलता है कि अब तुम अपनी एडवाइस बताओ मुझे। नेवर ग्रीव ओवर लॉस ऑफ वेल्थ, ही सेड। पहले उसने क्या बोला? नेवर ग्रीव, ग्रीव मतलब रोना, कि तुम कभी भी दुख मत मनाओ, रोना मत, किस पे? लॉस ऑफ वेल्थ, तुम्हारी कभी कोई धन संपत्ति चली जाए, पैसे चले जाए, तो तुम कभी भी रोना मत, दुख मत मनाना।
The merchant thought it was tame advice, but said nothing. Then the parrot flew to the roof of the merchant's house. Merchant ने सोचा ये तो फालतू lame होगा यहाँ पे. Lame मतलब फालतू सी advice है, लेकिन कुछ नहीं बोला उसने. फिर वो क्या हुआ, parrot उड़ा और कहाँ जाके बैठ गया, merchant की roof पे यानी छत पे जाके बैठ गया, उसकी घर की छत पे. This is my second advice. फिर वो बोलता है, he said, never believe everything that is told to you. कभी भी उस चीज पे विश्वास मत करो जो तुम्हें कही जाए. कौन कहता है ये, पैरेट कहता है मर्चेंट से कि ये मेरी सेकेंड एडवाइस है कि कभी भी उस चीज पे विश्वास मत करो जो तुमसे कही जाए. टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, कि तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता ना हो. किसने कहा ये बात, मर्चेंट ने कहा. साउंडिंग हिज अनोयंस, अनोयंस मतलब इरिटेट होना, परेशान होना. वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में झुल्लाने लग गया था कि ये ऐसी कैसी बातें बता रहा है, ये बातें तो मुझे पहले से पता है. वॉट यू डोंट नो इज वॉट आई हैव टू प्रीशियस जेम्स इन माई स्टमक. तो वो कहता है कि तुम्हें कोई एक ऐसी बात नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता है कि आई हैव टू प्रीशियस जेम्स, मतलब दो कीमती जेम्स क्या होते हैं, पत्थर. दो कीमती पत्थर है मेरे पेट में, इन माई स्टमक, यानी हीरे मोती है उसके पेट में. कौन कहता है, पैरेट कहता है. टू प्रीशियस जेम्स, वो एकदम से मर्चेंट, इको द मर्चेंट, इको मतलब ऐसे जोर से बोलता है, दो कीमती पत्थर है तुम्हारे पेट के अंदर. ओह What a fool I was to set you free. I regret this for the rest of my life. वो कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुमको छोड़ दिया मैंने, और मुझे पूरे जिंदगी भर इसका दुख होता रहेगा. फूल मतलब बेवकूफ, रिग्रेट मतलब दुख होना, पछतावा होना किसी चीज का. पूरी जिंदगी मैं इस चीज के लिए पछताता रहूंगा. डोंट यू वॉन्ट टू हियर माई थर्ड एडवाइस, आज द पैरेट. तो पैरेट ने पूछा कि तुम्हें मेरी थर्ड एडवाइस नहीं सुननी. तो वो कहता है, टेल मी, सेड द मर्चेंट बिटरली, कि बताओ मुझे तुम तीसरी एडवाइस क्या है तुम्हारी. फिर मर्चेंट वो कहता है, पैरेट, आई एडवाइज यू नेवर टू ग्रीव ओवर लॉसेस, बट हियर यू आर ग्रीविंग ओवर लूजिंग मी, सेड द पैरेट. कि मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा था कि नेवर ग्रीव ओवर लॉसेस, कि तुम्हारी अगर कोई कीमती चीज चली जाए तो उसका दुख मत मनाना. लेकिन तुम यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही तुमने सुना, तुम रोने लग गए कि ओहो मेरे हाथ से तो तोता निकल गया, और उसके पेट में क्या थे, कीमती पत्थर थे दो. फिर सेकंड वो बोलता है, आई एडवाइज यू नेवर टू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, बट यू इमिडिएटली बिलीव मी. मैंने तुमसे दूसरी बात ये कही थी कि नेवर बिलीव, जो भी तुम सुन रहे हो उस पर एकदम से विश्वास मत करो. लेकिन तुमने क्या किया, इमिडिएटली मतलब एकदम से तुमने क्या किया, बिलीव कर लिया, यकीन कर लिया मेरी बातों पर. वेन आई टोल्ड यू दैट आई हैव टू जेम्स इन माई स्टमक, जब मैंने तुम्हें ये बताया कि मेरे पेट में दो जेम्स है, तो तुमने मेरी बात का एकदम से विश्वास कर लिया. माई थर्ड एडवाइस इज, फिर वो लास्ट में अपनी थर्ड एडवाइस बताता है, लिसन, लर्न टू लिसन विद योर माइंड. कि सुनो, पर किससे सुनो, याद रखो ये बात. लर्न मतलब याद रखो, किससे सुनना है तुम्हें, अपने दिमाग से सुनना है. इंस्टेड ऑफ जस्ट विद योर ईयर्स, जस्ट विद योर ईयर्स मतलब कि सिर्फ अपने कानों से नहीं सुनना है तुम्हें, अपने दिमाग लगा के भी मेरी बातों को, सबकी बातों को, नॉट मेरी बात, सबकी बातों को तुम्हें उस दिमाग लगा के भी सुनना था. एंड विद दैट द पैरेट फ्लू अवे, लीविंग द मर्चेंट गैपिंग. और ये बात बोलते ही वो पैरेट दूर उड़ गया, और उस जो मर्चेंट था, गैपिंग मतलब मुंह खुला के खुला ही रह गया उस मर्चेंट का. यानी क्या हुआ यहाँ पे, कि उस पैरेट ने उस मर्चेंट को बेवकूफ बना दिया, उल्लू बना दिया. क्यों? क्योंकि वो तो होशियार था पैरेट, बहुत क्लेवर था. और जो उसको ये बात पता थी पैरेट को, कि जो मर्चेंट है वो क्या है, लालची है, ग्रीडी है. तो उसने इस बात का क्या उठाया, फायदा उठाया, और अपनी बातों के जाल में उस मर्चेंट को फंसाया. और फिर उसने क्या किया, उस सब चीजों का फायदा उठा के और अपनी आजादी पाली, फ्रीडम पाली, और वो वहां से क्या हो गया, दूर कहीं उड़ के चला गया. अब नीचे आप देखो, हर पेज के नीचे वर्ड मीनिंग्स हैं. वो वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं. जो भी वर्ड अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लेना. बुक के अंदर नीचे सभी पेजों के नीचे देखना, वर्ड मीनिंग्स है, वो लिख लेना आप अपनी.